अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद उमर है। मैं एपटेक मेट्रो स्टारगेट का स्टूडेंट हूँ और मैं वर्चुअल एपटेक आई डिवीजन में हिस्सा ले रहा हूँ। और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्टअप की कैटेगरी में है। सो हमारा स्टार्टअप जो है वो जब मैंने इसका जो आइडिया आया था, जब हमारे पास कोविड चल रहा था, सब कुछ बंद था, पूरी दुनिया बंद थी और बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैल रही थी क्योंकि ऑफिस के इशूज़ आ रहे थे, बहुत सारे इशूज़ आ रहे थे, उसके ऊपर ये मैंने आइडिया निकाला। अब टास्क ऐसा बेसिकली है क्या, ये टास्क ऐसा ये सिस्टम है, या आपके रिमोट जो आपके एम्प्लॉय हो गए जो घर पे थे, या अब जो आने वाले टाइम पे, आगे वाले टाइम के लिए भी यही है कि घर पे रह के या कहीं पे भी रिमोटली वर्क कर सकते हैं, कोई और कंट्री में है, तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे कि हमारे एम्प्लॉय ने कितना काम करा और कितना काम नहीं कर सके, उसको हम उसकी रिपोर्टिंग कर सकेंगे, उसने कितना वर्क फ्लो उसका गया, कितना वर्क फ्लो उसने जितना काम करा, क्या क्या उसने अपनी चीज़ें करी, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये साइड ट्रैकिंग चल रही होती है जो टास्क आज है, ये हमारे सिस्टम को पूरा जो है हमारे पूरे सिस्टम को एनालाइज करता है, उस जो एम्प्लॉय के सिस्टम होता है उसके लैपटॉप को पूरा एनालाइज करता है, उसकी रिपोर्ट जनरेट करके ये मेन सिस्टम पे जो हमारे पास मैनेजर्स हो गए या कंपनी के ऑनर्स हो गए या सीईओ, उसके बाद ये रिपोर्टिंग करेगा कि इस बंदे ने 9 घंटे के अंदर कितना काम करा और कितना नहीं करा। तो इस तरह का पूरा सिस्टम चल रहा होता है। ओके, सो ये हमारी एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन की जो लॉगिन फॉर्म है, ये हमारे पास लॉगिन फॉर्म है पूरा का पूरा, इसको शो हो रहा है, बहुत एक आइकन शो हो रहा है हमारे पास टास्क आसा का। टास्क आसा बेसिकली है क्या, जो यहाँ पे आइकन शो कर रहा है या लोगो हमारा जो शो कर रहा है, टास्क आसा बेसिकली, टास्क का मतलब टास्क और कासा का मतलब हाउस या एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हों, उसको कासा कहते हैं, इसी इसका नाम टास्क आसा है। और जिस तरह से मैं अपनी सारी डिटेल में मैंने बताया कि हम अपने एम्प्लॉय के ऊपर नज़र रख सकते हैं, उसकी वर्क के फ्लो के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर, तो इस हिसाब से इस लोगों के अंदर एक आई नज़र आ रही होगी जो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि हमारे पास जितना भी वर्क है उसको देखा जा रहा है। और उसके टैग लाइन पर भी लिखा है एनी वन कैन हैंडल वर्क एनीवेयर, तो इसका जो स्लोगन है वो ये। तो हमारे पास इसकी जो हमारे पास क्लाउड पे जो सॉफ्टवेयर है उसकी लॉगिन स्क्रीन है। सेकंडली हम आते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर, तो डैशबोर्ड के ऊपर हमने सारी चीज़ें जिस तरह से मैंने बताया था कि सारे वर्क फ्लो और सारी चीज़ें हो रही है, तो इस हिसाब से यहाँ पे एक नीचे दिखा रहे हैं कि हमारे पास वर्किंग आवर्स कितने हैं, अर्न कितना किया उस बंदे ने, अगर क्योंकि यहाँ पे ये कि एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय से ही, अगर एम्प्लॉय नहीं है तो फ्रीलैंसर है तो फ्रीलैंसर भी यहाँ पे काम कर सकता है, कोई क्लाइंट उसको कर सके, तो फ्रीलैंसिंग मार्केट प्लेस के लिए उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर है। तो अच्छा, हमारे पास ये वर्किंग आवर्स दिखा रहा है कि इस बंदे ने कितने वर्किंग आवर्स करे या मैंने कितने वर्किंग आवर्स कर लिए, कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस मंथ में, कितने टास्क चल रहे हैं इस मंथ के अंदर और कितना अर्न कर लिया। इस हिसाब से यहाँ पे एक पूरा फ्लो दिख रहा है हमें, यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट दिख रहा है जिसका नाम सारा फ्लो दिखा रहा है। सेकेंडली फिर ये एडमिन पैनल है, तो इसमें एडमिन पैनल के अंदर कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज आ सकती हैं, तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर सारी कंपनीज आके रजिस्टर्ड हो सकती हैं जिनको ये सॉफ्टवेयर की सर्विस चाहिए, क्योंकि सास सिस्टम है। सेकेंडली सब्सक्रिप्शन हैं कि किस टाइप की सब्सक्रिप्शन चाहिए उसको। फिर हमारे पास यूज़र्स हैं, ये हमारे पास यूज़र्स का पैनल है जो जिसके अंदर हम सारे यूज़र्स को दिखाएंगे, और ये हमारे पास यूज़र्स हैं। सेकेंडली हमारे पास सब्सक्रिप्शन हैं, जिस तरह से यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आ रही है बहुत सारी के मंथली पैकेज है, और कितना होगा, कितने बंदों के लिए होगा, कितने एम्प्लॉयज़ होंगे या कितने फ्रीलांसर्स होंगे या कितने डिपार्टमेंट इसके होंगे। फिर कंपनी के एडमिन है, फिर यहाँ पे उसकी अकाउंट और एक पूरी अमाउंट निकाल के दिखा देगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ऑफिस एम्प्लॉयज़ होंगे तो ऑफिस एम्प्लॉयज़ होगा, उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी या पर ईयर की है उस पैकेज की ड्यूरेशन, यहाँ पे पैकेज की ड्यूरेशन है, पैकेज का नाम आ गया कि बेसिक पैकेज समथिंग। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि कंपनी के कितने यूजर्स हैं, 5 यूजर्स हमें देंगे, इसको अलाउ करेंगे। फिर उसके बाद इसको 5 डिपार्टमेंट हम देते हैं कि 5 डिपार्टमेंट को ये हमें एनालाइज कर सके, 5 डिपार्टमेंट को, लाइक अगर आप किसी भी ऑफिस में होते हैं तो उसके अंदर आईटी का डिपार्ट होता है, सेल्स डिपार्ट हो गया, मार्केटिंग डिपार्ट हो गया, इन सबको मैनेज करने के लिए एक चीज़ है। फिर सेकेंडली हमारे पास एम्प्लॉयज़, कितने एम्प्लॉयज़ को हम लोग यहाँ पे मैनेज करेंगे, तो 50 एम्प्लॉयज़, और अगर उनके पास आउटसोर्स वर्क है तो उसके लिए फ्रीलांसर्स हो गए, तो फ्रीलांसर्स को हम अलाउ करते हैं कि फ्रीलांसर का अकाउंट भी उन लोगों के पास अवेलेबल हो। और यहाँ पे उसकी प्राइसिंग है कि हम एक एम्प्लॉय के ऊपर कितने अमाउंट चार्ज करते हैं, हम जैसे कि एक सपोज़ कर लेते हैं $2 हम लोग करते हैं इसके ऊपर जो है, पर एम्प्लॉय $2 हम चार्ज करते हैं, फिर फ्रीलांसर को $1 करते हैं। फिर इसके अंदर पेरोल के भी है कि पेरोल हम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लाइक जब फ्रीलांसर की या एम्प्लॉय की जो पेमेंट होगी वो तो पेरोल से होगी, तो यहाँ पे पेरोल भी कंट्रोल होगा। फिर अगर कोई डिस्काउंट देना चाहे तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहे तो जैसे मैंने कुछ 10 दे दिए इसका डिस्काउंट,
फिर इसके अलावा कोई डिस्काउंट टेस्ट है कि किस बात का मिल रहा है, फिर हमारे पास पूरा पैकेज है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे सारी चीज़ें हमारे पास ऐड हो रही हैं, और यहाँ पे कुछ पैकेजेस हमें दिख जाएंगे कि एक पैकेज ऑलरेडी बना हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा टास्क ऐसा है, और ये स्टार्टअप है जो कि कोविड में भी और कोविड के बाद भी आप हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए फ्रीलैंसिंग मार्केट, स्पेशली फ्रीलैंसिंग मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे क्लाइंट्स को या फ्रीलैंसर को उसका काम वर्क फ्लो हम उसको मैनेज कर सकें, उसको एनालाइज कर सकें इतना कितना वर्क फ्लो किया और कितना वर्क फ्लो नहीं किया। तो फ्यूचर के लिए भी और करंट कंडीशन के लिए दोनों के लिए बहुत यूज़फुल है। थैंक यू।